अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको वेलकम करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक एप्लीकेशन लेकर आए हैं। ये एप्लीकेशन और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि बिना फ़ायदे के कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर आपके सामने ये मोबाइल फ़ोन है और इसका है ये यहाँ पर वॉल्यूम। वॉल्यूम अप भी बटन है और डाउन भी है। हम अभी आपको मैजिक करके दिखाते हैं। इसका जो अप बटन है इसको हम करते हैं प्रेस। ये अभी आप देख सकते हैं कि जो टाइम था वो इसने बता दिया है। यानी कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन जेब के अंदर पड़ा हुआ है तो आप पॉकेट के अंदर से ही जस्ट वॉल्यूम अप का बटन जो है वो प्रेस करेंगे। लॉक लगा हुआ है, उसके बाद ये खुद बहुद आपको वॉइस के थ्रू बता देगी कि क्या टाइम हुआ है। अगर आपने लॉक लगा हुआ मोबाइल फ़ोन को तो आप जो है टॉर्च ऑन करना चाहते हैं, फ्लैश ऑन करना चाहते हैं, तो आपने करना कुछ यूँ है कि ये देख सकते हैं वॉल्यूम डाउन का बटन, इसको हमने प्रेस करना है। जैसे ही हमने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका जो फ्लैश है वो ऑन हो चुका है। अभी हम दोबारा से इसको प्रेस करते हैं और ये हो जाएगा बंद। इस तरह के साथ आप इसकी किसी तरह की भी सेटिंग कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। अगर आप दो बार टैप करेंगे तो उसके ज़रिए क्या होना चाहिए, तीन बार करेंगे उसके ज़रिए क्या होना चाहिए, हर तरह की आप सेटिंग इस एप्लीकेशन के ज़रिए कर सकते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं कि वो एप्लीकेशन कौन सी है। यहाँ पर मैं इसको करता हूँ अनलॉक। अनलॉक करने के बाद में ये एप्लीकेशन जो है इसको करता हूं ओपन। ओपन करने के बाद ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो होगा इसका इंटरफेस जो होगा वो नज़र आएगा। यहाँ पर इसको नेवर कर देते हैं, ये इसका आ गया इंटरफेस। इंटरफेस बहुत ही इजी और बहुत ही आसान सा है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा वॉल्यूम अप, और ये वॉल्यूम अप आप यानी कि दो बार आप दबाएँ उसमें क्या होना चाहिए, यानी कि आप वॉल्यूम को एक मरतबा दबाएंगे तो उसके अंदर अलग सी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग सी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। दो मरतबा दबाएं तो उसके ज़रिए कुछ और इफेक्ट जो है वो होगा। यहाँ पर मैंने सिंगल टैप ही रखा हुआ है वॉल्यूम अप, इसको मैं प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेल टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ से ओके कर दिया था। अब मैं करता हूँ इसको कैंसिल। इसके ज़रिए आप यहाँ पर आगे जाएंगे मीडिया के अंदर, तो मीडिया के अंदर आप अगर आपके पास मीडिया प्लेयर है तो वहाँ पर आप उसकी भी सेटिंग कर सकते हैं कि यानी अगर आप नात सॉन्ग वगैरह कुछ भी सुन रहे हैं तो उसके लिए आपने कौन सी सेटिंग करनी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक और सेटिंग है। यहाँ पर अगर आप किसी की भी आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन को बिना ऑन किए आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, वो भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। मेरे मोबाइल फ़ोन में फ़िलहाल रिकॉर्डर नहीं है, इसलिए मैं इसको जो है वो ऑन नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पर जाकर इसकी सेटिंग कर सकते हैं, बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान सी सेटिंग है। तमाम किस्म के आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर जैसे प्रेस करेंगे तो सीधा से आप इस एप्लीकेशन के अंदर चले जाएंगे, यानी कि प्ले स्टोर में, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।